इंदौर में पुलिस द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य स्तर के गैंग के सदस्य को पकड़ने में सफलता हासिल की। पूरे मामले में पुलिस ने लुटेरे के पास से लूटा हुआ सामान जब्त किया है, तो वहीं उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली 60 वर्षीय वृद्ध महिला रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी कि तभी बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनका बैग छीन कर वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस छानबीन में जुटी और 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि उत्तराखंड के रहने वाले बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया गया और फुटेज दिखाए गए। पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस की मदद से जाकिर हुसैन नामे के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया गया है, तो वहीं उसका एक अन्य साथी फरार चल रहा है। अन्नपूर्णा में एक घटना हुई थी जिसमें कि जो कि एक महिला 61 वर्षीय महिला चाणकपुरी से एक गणेश मंदिर की तरफ जा रही थी, तभी सुबह 6:30 बजे करीब दो अज्ञात बदमाश आए बाइक से और उनके द्वारा एक व्यक्ति उतरा बाइक से मंगलसूत्र छीन कर ले गया। इस पर से लूट का मुकदमा कायम किया जाकर इसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। DCP जोन 4 ऋषिकेश मीना सर की टीम ने लगातार इसे मेहनत की, टेक्निकल डाटा कलेक्ट किया गया, CCTV फुटेज भी इसके देखे गए। लगातार CCTV फुटेज देखने के बाद आरोपी आइडेंटिफाइड हुआ और ये पता चला कि आरोपी इस पर चाकर है, जो कि उत्तराखंड रुद्रपुर भाग गया है। तो इस पर से इनकी टीम के द्वारा दबिश देकर रुद्रपुर में एक आरोपी जाकिर खान को पकड़ा और उसके अलावा उसके एक साथी को सहयोगी को और पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर फिलहाल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इनसे लूट की वारदात खुल गई है। अब इसमें और इनका पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।